आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि नवंबर कैसा बीता हमारा और दिसंबर में कोई ब्लॉग में पोस्ट नहीं कर पाई थी उसका भी अपडेट आज दूंगी। वेलकम बैक टू दिल, दिस इज न्यू एपिसोड। दिवाली ख़त्म होते ही उसके जो भी डेकोर आइटम थे मैं क्लीन अप कर रही थी और हाथ के हाथ मैंने उसी दिन क्रिसमस ट्री भी डेकोर कर दिया। मेरे पास जो क्रिसमस ट्री है ये 3 पार्ट्स में है, तो 1 पार्ट एंड द मिडिल पार्ट एंड द टॉप पार्ट। थैंक्सगिविंग के टाइम पे मुझे एक पार्टी करनी थी घर पे, लेडीज़ पार्टी। हम लोग बर्थडे के लिए सबको बुलाते हैं घर पे, तो उस टाइम पे हम लोग स्मोकीज़ में थे एंड देन दिवाली आई और तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा गैप दे करके फिर पार्टी रखती हूँ। तो उससे पहले क्रिसमस ट्री भी मैंने सोचा अरेंज कर दे, फ़ोटोज़ लेने में अच्छा लगेगा। पार्टी के लिए मैंने बनाया था रगड़ा पैटी और छोले बनाए थे 2 टाइप के, एक लेस स्पाइसी और एक थोड़ा पिंडी छोले जो कि स्पाइसी होते हैं। दही कबाब बना के मैंने रात को ही रख लिया था क्योंकि ये बहुत लेंदी काम हो जाता है। है तो इजी, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट या वो 3 घंटा तो अकेले ही ले लेगा। एंड ये पिंडी छोले बना लिए हैं, स्पाइसी है ना, दिख रहा है स्पाइसी। और बेसन की बर्फ़ी थी डेजर्ट के लिए। पापड़ी बना ली थी जो रगड़ा पैटी के ऊपर पड़ती है, ये मटर के छोले थे और ये 2 टाइप की चटनी। तो बस जैसे ही सब लोग आ गए और मैंने इसको फ्राई करके, पहले से फ्राई करके नहीं रखा था, फ्रिज में रख दिया था ताकि जो ब्रेड की जो लेयर है वो क्रिस्पी निकल के आए। फिर और मैंने सारा कट नहीं किया था, थोड़ा सा ही कट किया था ताकि अंदर जो है वो थोड़ा वार्म रहे। सब लोग जैसे जैसे लेते जाएंगे वैसे वैसे अपना कट करके ले लेंगे। और ये मैंने बनाया था लाइव काउंटर रगड़ा पैटी के लिए। तो बस यहाँ पर मैं सेकती जा रही थी पैटीज़ और सब लोग पैटी यहाँ से लेके जा रहे थे टेबल पे, छोले चटनी और जो मैंने और भी प्याज वगैरह कट करके रखी थी वो सब अपना चाट बना के इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, पसंद भी आया सबको। किसी दिन मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये रहे भटूरे। तो ऐसी रही ओवरऑल पार्टी हमारी 24th की। नेक्स्ट डे 25th था, ईशान का बर्थडे और उसने ये कैरेक्टर डिमांड किया था टॉय किंग गिडोरा, तो ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ईशान, व्हाट इज़ दिस कैरेक्टर नेम, द ब्लैक वन? एंड व्हाट इज़ द अदर कैरेक्टर नेम? द अदर। ये 3 कैरेक्टर हैं, किंग कॉन्ग, गॉडज़िला एंड किंग गिडोरा। इनका बैटल चलता रहता है, उसको पूरा सेट बनाना था अपना। 2 कैरेक्टर्स थे, लास्ट ये बचा हुआ था, तो फाइनली उसका पूरा सेट पूरा हो गया। ही इज़ वेरी हैप्पी। और इवनिंग में आज है थैंक्स गिविंग, 25th को ही थैंक्स गिविंग थी, तो कहीं तो घूमने जा नहीं सकते हैं, शॉपिंग कुछ करनी नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि टेटोना बीच चलते हैं और वहाँ पे एक लाइट शो था वो देखने के लिए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग गए हम लोग मिलके ग्रुप में, और बट अपनी अपनी कार में ही सब लोग थे क्योंकि ये पूरा वो था ड्राइव थ्रू था। और जब घूम के वापस आ गए तो बाहर में हम लोग एक जगह पे सारे लोग गैदर हुए और थोड़ा बातें बातें की, स्नैक वगैरह खाया एंड देन वी केम बैक टू होम। लाइन बहुत लंबी है, हमें वो फ़िलहाल गेट तक तो जाना है। आगे भी देखिए गेट के अंदर भी कितनी लंबी लाइन है,
तो बेसिकली ये स्पीडवे डेटोना का स्पीडवे स्टेडियम है, उसके चारों तरफ ऐसा राउंड सर्कल लगाना है हमें। इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया एफएम ऑन कर लेना, तो गाड़ी के अंदर ही गाना चलेगा और बाहर यू कैन एंजॉय द शो। तो मुझे भी वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा, कोई भी नॉइज पोल्यूशन नहीं। लुक एट दिस क्रेजी पीपल, इनको फिर गेट पे अंदर बिठा दिया था। फ्लोरिडा की थीम पर था ये, तो जो भी बीच पर एंजॉयमेंट रहता है सब कुछ था। क्रैब है, सीशेल है, स्टारफिश है, एलिगेटर, एंड सामने जो है वो पाम ट्री और उस पर हैमक लगा के दैट पर्सन इज रिलैक्सिंग। तो ओवरऑल अच्छा था ये। आगे डिज्नी की भी थीम थी, तो डिज्नी से रिलेटेड सारी चीज़ें। ये रपंजल टावर है, रपंजल की येलो चोटी यू कैन सी। अच्छा था। एंड अलग अलग थीम थी, मिकी माउस था, बहुत सारी चीज़ें जो भी डिज्नी की चीज़ें हैं सामने, जिंजर ब्रेड हाउस और उसके बाद में सांता। लेकिन सांता वाली क्लिप थोड़ी फास्ट सी हो गई थी तो इसलिए मैंने अपडेट नहीं की। ये एरिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पर रुक के फ़ोटो खिंचवा सकते काश। आगे आगे ये नासा की थीम, और सारे रॉकेट्स हैं, तरह तरह के एस्ट्रोनॉट्स हैं, प्लैनेट्स, नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स। इंटरेस्टिंग था ये भी। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल था टनल, काश कि ड्रोन होता या फिर रुक के फ़ोटो ले सकते यहाँ पर। ऐसी जगहों पे ना फ़ोटोज़ बहुत इंटरेस्टिंग आती है, खासकर लाइट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करके पिक्चर्स लो या फिर इस पर ऐसे वॉक करते हुए वीडियो रहती ना तो बहुत अच्छी आती, बट इट वाज अ ड्राइव थ्रू। और ये टनल में अलाउड था पिक्चर लेना, बट शायद वो क्रेजी लोग थे ना, उनको कार के अंदर बिठाने के चक्कर में हमें वो पूरा बताना भूल गए, और वी वर नॉट अवेयर कि इसके यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करके और फ़ोटो ले सकते थे इस टनल में। तो ये हमारा रह गया, बाद में फ्रेंड लोगों ने बताया कि ले सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये डेटोना स्पीडवे है,
ये स्टेडियम में अलग अलग जो एंट्री है अलग अलग ब्रांड के कार के नेम लगे हुए थे इधर, तो किसी दिन मैं यहाँ पर भी आपको शो दिखाने के लिए लेके आऊँगी जब भी होगा। तो ओवरऑल ये थी हमारी थैंक्स गिविंग। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे डायनासोर वर्ल्ड घूमने के लिए, क्योंकि ईशान को बहुत पसंद था डायनासोर, आई मीन सारे बच्चों को पसंद रहता है राइट। तो नेक्स्ट डे हम लोग डायनो वर्ल्ड चले गए और दैट वाज 26th of November। और उसके बाद में फिर दिसंबर जो आया कुछ ऐसा आया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, मतलब पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। जब भी ब्लॉग करने के लिए मैं बैठी तो कुछ ना कुछ शॉपिंग ये वो, शॉपिंग मीन्स कि जो मटेरियल है वो रिलेटेड शॉपिंग के लिए जाओ ये करो। उसके बाद में ये लैपटॉप मैंने नया लिया था तो इसकी सेटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हुई, तो मैंने तीन ब्लॉग मेरे एक साथ में उड़ गए पता नहीं कहाँ चले गए, और फिर मैंने थक के एक टाइम पे छोड़ दिया कि छोड़ो अभी। और न्यू ईयर पे हम लोग गए थे अलाबामा वो भी सारे, तो धीरे धीरे मैं एक एक करके सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स गिविंग के इस वीक के नेक्स्ट वीक में फिर मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं, वो भी बहुत लंबा काम रहता है यहाँ पर। मिलते हैं अलाबामा में।